Hello everyone, welcome to Science Math Point. In this video, we'll discuss about the solution of linear inequation with two variable. क्योंकि already we have covered the system of linear inequation with one variable. So जितना भी numerical questions और जितना भी concept था regarding one variable, already I have covered in the last lecture videos. Okay? फिलहाल in this video only I will discuss about linear inequation with two variable. So how to solve when we'll face two variable with inequation. That means you have to solve that kind of inequations by using graph. So graphical solution is most required to solve linear inequation with two variable. Yaad rakho, okay? So in this video lecture, only I will discuss graphical solution of system of linear inequation with two variable. Okay? So let's start. Now see the concept of graphical solution of linear inequation with two variable. Okay, so उसको कैसे सॉल्व करना है, ऑलरेडी आई हैव रिटन द सम स्टेप्स. सो स्टेप को फॉलो करके हम सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग लीनियर इनिक्वेशन विथ टू वेरिएबल. देखो अगर क्वेश्चन है लीनियर इनिक्वेशन विथ टू वेरिएबल तो क्या करना है. पहला स्टेप हमारा, जो भी इनिक्वेशन गिवन है, कन्वर्टिंग द गिवन इनिक्वेशन इन टू इक्वेशन. पहला इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, याद रखो ये तुम्हारा पहला स्टेप है. सेकेंड थिंग, स्टेप टू क्या है, पुट एक्स इक्वल टू जीरो टू गेट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट वाई इक्वल टू जीरो टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, रिवर्स वाइस वर्सा. एक्स वैल्यू पुट करो जीरो टू गेट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट वाई इक्वल टू जीरो टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. दैट्स द मेन पार्ट ऑफ दिस स्टेप टू. ओके, सो देखो मेरे पास आई एम सॉल्विंग बाय टेकिंग वन क्वेश्चन, देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. सपोज क्वेश्चन नंबर वन इज गिवेन दैट सॉल्व 2x plus 3y greater than equal to suppose 6 और सिंपल 2x plus 3y greater than equal to 6. ओके, ये तुम्हारा गिवन है. तो ये देखो तुम्हारा लीनियर इनिक्वेशन है विथ टू वेरिएबल है, दैट्स द मेन पार्ट हियर. तो हाउ टू सॉल्व इट, पहले सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है जस्ट राइट इट 2x plus 3y greater than equal to 6. उसके बाद क्या करना है, कन्वर्टिंग इट इक्वेशन. क्या है पहला स्टेप, कन्वर्टिंग इनटू इक्वेशन, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो क्या हो जाएगा ये 2x plus 3y equal to 6 कन्वर्ट हो गया. आफ्टर कन्वर्टिंग स्टेप में क्या है, पुट एक्स इक्वल टू जीरो टू गेट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट वाई इक्वल टू जीरो टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. सो एक्स वैल्यू जीरो पुट करने से वाई क्या आएगा, टू आएगा. व्हेन आई विल पुट वाई इक्वल टू जीरो, टू एक्स इक्वल टू सिक्स, सो एक्स थ्री आएगा. तो उसके बाद क्या करना है, जस्ट विल प्लॉट ए बॉक्स, ओके, व्हिच गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. देखो ये तुम्हारा एक्स, ये तुम्हारा वाई, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो वाई क्या होगा, थ्री इक्वल टू सिक्स मतलब टू, वेन वाई इक्वल टू जीरो मेरा होगा एक्स थ्री. ओके, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, जीरो थ्री, वाई का वैल्यू क्या आ गया, टू जीरो. ओके, ये तुम्हारा हो गया पुटिंग वैल्यू. स्टेप थ्री में क्या है, जॉइन द पॉइंट्स ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप टू. स्टेप टू में जो भी पॉइंट आया उसको जॉइन करो बाई ग्राफ, ग्राफ में प्लॉट करना है. ओके, जॉइन द पॉइंट्स ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप टू इन द ग्राफ. तो उसके बाद क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है. तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. एक बात देखो, मेरा एक्स एक्सिस में जितना भी वैल्यू है ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, ऑल आर पॉजिटिव. यहाँ पे जितना भी वैल्यू है पॉजिटिव है. सो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, ये तो पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में बोथ नेगेटिव एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये तो पता है. लेकिन यहाँ पे देखो बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, सो यहाँ पे बोथ x एंड y पॉजिटिव. सो यू हैव टू डू क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट x एक्सिस y एक्सिस, आई एम प्लॉटिंग हियर x एक्सिस y एक्सिस. ओके, x y एक्सिस ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस. ओके, आई एम प्लॉटिंग हियर जस्ट टू सी. ओके, जस्ट आई प्लॉट अ स्मॉल ग्राफ बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव वैल्यू, सो आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली. ओके, तुम्हारा x हो गया ये x एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया y वाइटस. तो x प्लस में क्या लेना है, जीरो थ्री मतलब मैक्सिमम इज थ्री, हाइस्ट इज थ्री. तो जीरो तो ये हो गया ओरिजिन, ये तुम्हारा वन, ये तुम्हारा टू, ये तुम्हारा थ्री हो गया, एंड जस्ट विल टेक मार्जिन वैल्यू फोर ऑल्सो. तो
याद रखो ये तुम्हें ग्राफ में प्लॉट करना है, ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है, नॉट इन योर प्लेन पेपर, नो नो नो, ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। तो क्या होगा, 0, 1 एंड 1, 2, 2, 3, 3, 4 डिस्टेंस मस्ट बी सेम, ओके डिस्टेंस मस्ट बी सेम। एंड वाई के प्लस में क्या होगा, 1, 2, ओके फॉर मार्जिन आई एम टेकिंग 3 क्योंकि वाई का मैक्सिमम वैल्यू 2 है, सो जस्ट आई एम टेकिंग 3, ओके। नाउ उसके बाद क्या करना है, पॉइंट प्लॉट करना है, पॉइंट देखो क्या पॉइंट है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0, 2, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0, 2, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है 3, 0, दैट्स द मेन पार्ट हियर। तो 0, 2, 0, 2 वाई का वैल्यू 2 यहाँ पे पॉइंट आ गया, उसके बाद 3, 0 ये तुम्हारा हो गया 0, 2, 3, 0। उसके बाद स्टेप 3 देखो क्या है, जॉइन द पॉइंट्स ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप 2, स्टेप 2 में जो भी पॉइंट आया उसको जॉइन करो, डेफिनेट दैट गिव्स ए स्ट्रेट लाइन, दैट गिव्स ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन गिवेन होगा, क्या होगा स्ट्रेट लाइन गिवेन होगा, ओके व्हिच गिव्स द लाइन ऑफ ए गिवेन इन इक्वेशंस, तो उसका स्ट्रेट लाइन हो गया, ओके तो ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन आ गया। उसके बाद क्या करना है, जस्ट यू राइट द नेम ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन का नेम क्या है 2x + 3y, इसका नेम क्या है 2x + 3y = 6, ओके 2x + 3y = 6 ये तुम्हारा नेम है। एंड जस्ट राइट द कोऑर्डिनेट ऑल्सो आफ्टर गेटिंग द पॉइंट, सो ये इसका कोऑर्डिनेट, दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, एंड दिस इज योर यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 है 0, 2, 3, 0, ओके। देखो जॉइन द पॉइंट्स ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप 2 व्हिच गिव्स द लाइन ऑफ गिवन इक्वेशन, अगेन आई एम राइटिंग हियर, इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड स्लैक इनइक्वालिटी, दो इनइक्वालिटी क्या, स्ट्रिक्ट एंड स्लैक। तो स्ट्रिक्ट क्यों होगा, क्योंकि मेरा द सिंबल इज मस्ट बी लेस देन और ग्रेटर देन, द सिंबल इज लेस देन और ग्रेटर देन, अगर मेरा सिंबल लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल है तो ये तुम्हारा स्लैक इनइक्वालिटी, याद रखो ये तुम्हारा स्लैक इनइक्वालिटी, इट इज नोन द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। सो जब मेरे पास इन इक्वल साइन है, ओनली लेस देन और ग्रेटर देन है, यहाँ पे क्या करना है, जस्ट प्लॉट डॉटेड लाइन, कौन सा लाइन, डॉटेड लाइन प्लॉट करना है, कब, जब मेरे पास ओनली लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल होगा। सो जो आई हैव प्लॉटेड द ग्राफ, दिस इज योर क्या, थिक लाइन, जस्ट प्लॉट डॉटेड लाइन, अदरवाइज थिक लाइन, ये तुम्हारा क्या हो गया, थिक लाइन, ये तुम्हारा डॉट लाइन है। अगर क्वेश्चन 2x + 3y > 6 होता तो, ग्रेटर देन 6 होता तो क्या करना था, जस्ट यू प्लॉट डॉटेड लाइन इन प्लेस ऑफ थिक लाइन, डॉटेड लाइन प्लॉट करना पड़ेगा अगर मेरे पास ओनली ग्रेटर देन होता तो, ओनली ग्रेटर देन, ओके दैट्स द मेन पार्ट हियर, क्योंकि पता है ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या, इक्वल टू मतलब क्या, पॉइंट इज इंक्लूडिंग, दैट्स व्हाई आई एम प्लॉटेड थिक लाइन। लेकिन अगर लेस देन हो गया और ग्रेटर देन हो गया तो जस्ट यू प्लॉट डॉटेड लाइन, ओके याद रखो। ये तुम्हारा हो गया स्टेप 3। स्टेप 4 में क्या है, देन चूज ए पॉइंट, प्रिफर ओरिजिन, पॉइंट चूज करो जो कि तुम्हारा, आई एम टेलिंग टू ऑल जस्ट चूज द ओरिजिन वैल्यू, ओरिजिन वैल्यू तो पता है एक्स का वैल्यू 0 एंड वाई का वैल्यू 0, एंड पुट इन, देन चूज ए पॉइंट ओरिजिन एंड पुट इन गिवन इन इक्वेशन, जो भी तुम्हारा इन इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में पुट करो, आफ्टर पुटिंग जस्ट चेक इट, देखो क्वेश्चन में 0, 0 पुट करने से क्या होगा, 0 ये भी 0, सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से, आफ्टर पुटिंग ओरिजिन वैल्यू वी आर गेटिंग 0 > 6, अगर 0 > 6 देखो यहाँ पे ये तुम्हारा ट्रू है क्या फॉल्स है, 0 6 से बड़ा है क्या छोटा है, ये तुम्हारा फॉल्स है, ये तुम्हारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, 0 कभी भी 6 से बड़ा नहीं होगा। अगर मेरा फॉल्स हो गया, देखो आई हैव टू स्टेटमेंट, दैट टू स्टेटमेंट्स क्या है, इफ दैट इज ट्रू, अगर मेरा ट्रू हो गया तो क्या होगा, द सेटेड रीजन विल बी टूअर्ड्स ओरिजिन, देखो आई हैव प्लॉटेड द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन इज डिवाइडेड द ग्राफ इंटू टू पार्ट, क्या क्या, ये तुम्हारा एक ही पार्ट है, ये तुम्हारा दूसरा पार्ट है, एक ऊपर एक नीचे, दो पार्ट हो गया। सो इन दोनों में से इन व्हिच पार्ट माई ओरिजिन इज देयर, ओरिजिन में ओरिजिन वैल्यू जो कि तुम्हारा 0, 0 कहाँ है, 1 में और 2 में, 2 में है,
ऑरिजिन क्या है, द बिलो स्ट्रेट लाइन एबव स्ट्रेट लाइन, मतलब अवे फ्रॉम ऑरिजिन, टुवर्ड्स ऑरिजिन, अवे फ्रॉम ऑरिजिन, दैट आर टू पार्ट। अगर मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया आफ्टर पुटिंग ऑरिजिन वैल्यू इन क्वेश्चन, ध्यान रखो आफ्टर पुटिंग ऑरिजिन वैल्यू इन क्वेश्चन, अगर मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो मेरा रीजन कहाँ होगा, टुवर्ड्स ऑरिजिन। अगर मेरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो शेडेड रीजन विल बी अवे फ्रॉम ऑरिजिन, टुवर्ड्स ऑरिजिन, अवे फ्रॉम ऑरिजिन। ओके, तो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट क्या है, आफ्टर पुटिंग जीरो जीरो वैल्यू, एक्स का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स हुई चीज फॉल्स, जीरो कभी भी सिक्स से बड़ा नहीं होगा। अगर मेरा फॉल्स हो गया तो मेरा रीजन क्या होगा, अवे फ्रॉम ऑरिजिन। तो मेरा इन व्हिच पार्ट माई रीजन विल देयर, वन पार्ट में होगा। ओके, माई रीजन विल बी अवे फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से दूर भागेगा। ओके, नॉट टुवर्ड्स ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से दूर चला जाएगा। ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ स्टेप फोर, ट्रू है तो टुवर्ड्स, फॉल्स है तो अवे फ्रॉम, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम, दो पार्ट, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम, टू पार्ट याद रखो। स्टेप है क्या है, द शेडेड रीजन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन, जो भी शेडेड रीजन आ गया दैट इज योर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन, बात खत्म। हैंस वी कैन राइट द लास्टली, हैंस हैंस द शेडेड रीजन, हैंस द शेडेड रीजन विल, द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन, बात हो गया, गिवन इन इक्वेशन। सॉल्यूशन क्यों हुआ, देखो आई एम टेलिंग वन थिंग, जस्ट यू चूज वन पॉइंट फ्रॉम द रीजन, जस्ट यू विल चूज वन पॉइंट, सपोज आई एम चूजिंग, सपोज दिस पॉइंट, सपोज आई एम चूजिंग दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज इन विद इन ऑरिजिन शेडेड रीजन, तो दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, बताना ध्यान से, दिस कोऑर्डिनेट सपोज टू एंड थ्री, एक्स का वैल्यू टू है, वाई का वैल्यू थ्री, दिस पॉइंट इज इन योर रीजन, रीजन के अंदर है, दिस पॉइंट पुट इन क्वेश्चन एंड चेक करो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा सही है और गलत। देखो एक्स का वैल्यू टू पुट करो फोर होगा, टू इंटू टू फोर, थ्री पुट करो फोर प्लस नाइन, फोर प्लस नाइन थर्टीन, थर्टीन इज ग्रेटर देन सिक्स और नॉट, यस ट्रू, ये ट्रू हो रहा है। अगर मैं चूज करूंगा दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट आई एम चूजिंग, जो कि तुम्हारा रीजन के अंदर नहीं है, सेटिस्फाई नहीं होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि मेरा रीजन ही है ना, तो वन वन ये तुम्हारा पॉइंट क्या है, वन वन पुट करो, वन वन क्या होगा, टू इंटू वन टू, प्लस थ्री इंटू वन टू, प्लस थ्री फाइव, फाइव ग्रेटर देन सिक्स है क्या, नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। देखो आई एम टेलिंग वन थिंग, जो भी रीजन आ रहा है शेडेड रीजन, ओनली दैट रीजन के अंदर जितना भी पॉइंट है, आई एम टेलिंग, आई एम नॉट टेलिंग वन पॉइंट टू पॉइंट, इन दिस रीजन, इन दिस एरिया देर आर इन्फिनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इन्फिनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देर, फ्रॉम दैट इन्फिनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स इफ यू चूज वन पॉइंट, वन पॉइंट एंड पुट इन क्वेश्चन, डेफिनेटली दैट इज सेटिस्फाइड, ट्रू होगा। अगर रीजन के अंदर जो भी पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स बिलो स्ट्रेट लाइन, जो कि रीजन नहीं है हमारा, सो बिलो स्ट्रेट लाइन जितना भी पॉइंट है चूज करो एंड पुट इन क्वेश्चन, फॉल्स ही होगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, दैट इज द पार्ट। सो दैट आई एम टेलिंग द आंसर क्या होगा, हैंस द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन जितना भी आया, दैट मीन्स एक बात बोलो, सॉल्व का मतलब क्या है, एक बात बोलो मुझे, सॉल्व का मतलब क्या, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड एट नाइन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एक्स प्लस फाइव इक्वल अगर सेवन है तो एक्स क्या होगा, टू होगा। सॉल्व का मतलब ये होता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे भी तुम्हारा इन इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है, इन इक्वेशन है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दैट मीन्स हाउ मेनी वैल्यूज फॉर एक्स, हाउ मेनी वैल्यूज फॉर वाई इज कमिंग हियर, कितना वैल्यू आ रहा है एक्स एंड वाई के लिए, नॉट ओनली वन पॉइंट, नॉट ओनली टू पॉइंट्स, बट ऑल्सो इन्फिनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कि तुम्हारा रीजन के अंदर है, दैट्स द मेन पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर। ओके, हियर आई एम नॉट टेलिंग एक्स एंड वाई का वैल्यू एक ही और दो तीसरा थ्री वैल्यू आ रहा है, नहीं नहीं, इन्फिनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस रीजन, दिस रीजन इज नॉट लिमिटेड हियर, वी कैन एक्सटेंड इट, वी कैन एक्सटेंड इट जितना भी हो सके। ओके, एंड चूज एनी पॉइंट फ्रॉम दैट रीजन एंड पुट इन
क्वेश्चन डेफिनेटली ये ट्रू होगा, जो भी आंसर आएगा सम करने के बाद ये ऑब्वियसली सिक्स से बड़ा ही होगा। सिक्स इक्वल टू कब होगा, एक बात बताओ, इक्वल टू सिक्स कब होगा, जब आई विल चूज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट चूज करो। सपोज देखो स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या है, 3-0 है। सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हेन विल प्लॉट इन द ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर में प्लॉट करो एंड चेक करो। सपोज आई विल चूज दिस पॉइंट, लाइन के ऊपर ये तुम्हारा पॉइंट है, ओके। सो ये दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली कब पता चलेगा, जब ग्राफ में प्लॉट करोगे, ओके। एंड पॉइंट के ऊपर, आई एम टेलिंग नॉट बिलो नॉट अबव, ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है चूज करो एंड पुट इन इक्वेशन। ऑब्वियसली आई एम टेलिंग यू, आई एम गारंटेड यू द वैल्यू विल बी सिक्स ही होगा, डेफिनेटली होगा। दैट्स द मेन पार्ट हियर। इक्वल टू क्यों हो रहा है, इक्वल टू किसके लिए होगा, इक्वल टू सिक्स किसके लिए होगा, जब मेरा एक्स एंड वाई का वैल्यू ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर होगा, क्लियर। दैट्स द मेन पार्ट। एंड लाइन के अबव जितना भी वैल्यू है ये ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, ग्रेटर किसके लिए, इक्वल किसके लिए, ओके। दैट्स आई एम टेलिंग, अगर मेरा इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है, मतलब इक्वल नहीं है, तो क्या होगा मेरा लाइन, डॉटेड लाइन, इसलिए होगा क्योंकि डॉटेड लाइन में मेरा पॉइंट इंक्लूडिंग नहीं होगा, डॉटेड लाइन में मेरा पॉइंट नॉट इंक्लूडिंग। सो दिस इज द सम ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। डोंट फॉरगेट यू हैव टू प्लॉट दिस ग्राफ इन योर ग्राफ पेपर कॉपी, ओके। एंड आफ्टर प्लॉटिंग स्ट्रेट लाइन, कीप इन माइंड वन थिंग, यू हैव टू राइट द इक्वेशन एंड राइट द पॉइंट का कोऑर्डिनेट, डोंट फॉरगेट, इसके लिए मार्क है, ओके। सो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट। देखो आई विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चंस टू गेट बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर टू, सपोज गिवेन दैट सॉल्व 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल, उसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करना है, ये तो पता है सॉल्यूशन, जस्ट टू राइट द इन इक्वेशन जो भी गिवन है, उसके बाद कन्वर्टिंग इन इक्वेशन, क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग इन टू इक्वेशन। तो क्या होगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, उसके बाद बॉक्स प्लॉट करना है, जो कि x का वैल्यू 0 पुट करना है टू गेट y एंड y का वैल्यू 0 पुट करना है टू गेट x। तो वैन x 2-0 पुट करना है, x 0 y 0, ओके। सो वैन x इक्वल टू 0 मेरा y क्या होगा, देखो वैन x इक्वल टू 0 माइनस y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 1, वैन y इक्वल टू 0 मेरा x क्या होगा 1/2, ओके। उसके बाद क्या करना है, जस्ट प्लॉट द ग्राफ, ओके। सो आई एम प्लॉटिंग, देखो यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू नेगेटिव है, ओके। सो वैल्यू के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करो बेटर होगा, ओके। सो x का वैल्यू हाफ मतलब 0.5 पॉजिटिव एंड y इक्वल नेगेटिव, तो दैट मींस ये पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, ओके। सो दैट्स आई एम प्लॉटिंग हियर ग्राफ। सो ग्राफ इज हियर, x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, x dash y dash, this is your 0 1 2 3, क्योंकि मेरा x का वैल्यू 0.5 है, 0 एंड 1 के बीच में रहेगा, y का वैल्यू क्या है -1 -2 -3, आई एम प्लॉटिंग, ओके। एक्स्ट्रा एम प्लॉटेड पॉइंट, देखो पहला पॉइंट क्या है हमारा 0 -1 0 -1, एक्स का वैल्यू 0 के लिए, वाई का वैल्यू -1, 0 एक्स का वैल्यू 0 वाई का वैल्यू -1, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद एक्स का वैल्यू हाफ, एक्स का वैल्यू हाफ के लिए वाई का वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू हाफ कहाँ है, 0 एंड 1 के बीच में, ये तुम्हारा हाफ है, ओके। 0.5 0 एंड 1 का मिडिल पार्ट हाफ, दो पॉइंट आ गया। देन प्लॉट स्ट्रेट लाइन, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन होगा या डॉट लाइन होगा, देखो इक्वल भी है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, थिक लाइन होगा, ओके। ये तुम्हारा ठीक लाइन हो गया। आफ्टर कमिंग द लाइन, जस्ट राइट द नेम ऑफ दिस लाइन, सो इसका नेम क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, एंड जस्ट राइट द पॉइंट ऑल्सो, इसका कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया हाफ कॉमा 0, ये तुम्हारा हो गया 0, -1, ओके। जस्ट राइट द कोऑर्डिनेट, उसके बाद क्या करना है, पुट ओरिजिन वैल्यू इन क्वेश्चन, देखो ऑरिजिन वैल्यू पुट करने के बाद 0 0 0 इज लेस देन 1, ये सही है क्या गलत,
जीरो इज लेस देन वन, ये तो ट्रू है, जीरो ऑब्वियसली वन से छोटा है। अगर ट्रू आ गया तो मेरा रीजन क्या होगा, टुवर्ड्स ऑरिजिन और बिलो ऑरिजिन, टुवर्ड्स ऑरिजिन और अवे फ्रॉम ऑरिजिन, ऑब्वियसली तुम्हारा टुवर्ड्स ऑरिजिन होगा। देखो मेरा लाइन का दो पार्ट हो गया, ये तुम्हारा एक ही पार्ट, ये तुम्हारा एक ही पार्ट, सो इन दोनों में से व्हिच पार्ट इज योर ऑरिजिन पार्ट, ऑरिजिन पार्ट कहाँ है, यहाँ पे, तो टुवर्ड्स ऑरिजिन, तो मेरा ग्राफ आ गया टुवर्ड्स ऑरिजिन, तो ग्राफ हो गया टुवर्ड्स ऑरिजिन, ऑरिजिन यहाँ है, जस्ट टू प्लॉट दिस इन दिस वे, ओके, सो जस्ट टू राइट दैट फाइनली, हेंस हेंस the shaded region, hence the shaded region is the solution of given in equation, shaded region जो आ गया ये तुम्हारा solution हो गया of the given in equation, clear हो गया, ये था तुम्हारा दूसरा type का question, again I am solving one more questions, देखो नंबर थ्री इज गिवेन दैट सॉल्व एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज थ्री, सॉल्व एक्स ग्रेटर देन इक्वल थ्री सिंगल वेरिएबल है, देखो ये मजा आएगा कैसे सॉल्व करना है, तो नो प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, सो कन्वर्टिंग इन टू इक्वेशन, कन्वर्टिंग इन टू इक्वेशन मतलब क्या आ जाएगा, x इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री का लाइन कैसा होगा, देखो तो यहाँ पे जीरो वाई नहीं है, मतलब y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, दैट इज द मेन पार्ट, एक बात बताओ x एक्सिस y एक्सिस में मेरा y कहाँ जीरो होता है, x एक्सिस पर मेरा y जीरो एंड y एक्सिस पर मेरा x जीरो होता है, देखो ये तुम्हारा x जीरो हो गया, ओके मेरा एक्स इक्वल टू वन कहाँ होगा, देखो ये जीरो ये वन होता है, सो एक्स इक्वल टू वन ये होगा, एक्स इक्वल टू ये तुम्हारा एक्स इक्वल टू, ये थ्री ये तुम्हारा एक्स इक्वल टू थ्री लाए, एक्स इक्वल टू थ्री इज कमिंग, सो एक्स इक्वल टू थ्री दिस इज योर एक्स इक्वल थ्री, क्लियर, अगर मेरा हो गया वाई इक्वल टू सपोज थ्री, अगर मेरा क्वेश्चन आ गया वाई इक्वल टू थ्री का ग्राफ कैसा होगा, वाई इक्वल टू मुझे पता है वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो कहाँ है, एक्स एक्सिस पर वाई इक्वल टू थ्री कहाँ होगा, ये तुम्हारा जीरो के लिए y इक्वल टू जीरो, वन के लिए y इक्वल टू वन, टू के लिए y इक्वल टू टू, थ्री के लिए y इक्वल टू थ्री, सो दिस लाइन विल बी y इक्वल टू थ्री, अगर मेरा y इक्वल टू सपोज माइनस थ्री, अगर मेरा y इक्वल टू माइनस थ्री तो कहाँ होगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये तुम्हारा हो गया y इक्वल टू माइनस थ्री, क्लियर हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या, y इक्वल टू थ्री मतलब वन टू थ्री, तो ये होगा तुम्हारा x इक्वल टू थ्री लाइन, ओके व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्लियर, सो जस्ट आई विल प्लॉट हियर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री कैसा होगा, तो उसके बाद तो कुछ भी टेबल प्लॉट नहीं करना क्योंकि मेरा सिंगल वेरिएबल है एक्स, ओके सो जस्ट टू प्लॉट द ग्राफ डायरेक्टली, तो ग्राफ कैसा होगा देखो ध्यान से, सिंपल y एक्सिस ये तुम्हारा x एक्सिस, ओके क्योंकि मेरा यहाँ पे एक ओनली x है नॉट y, ये तुम्हारा y y डैश, सो y x का वैल्यू थ्री आ गया, तो ये जीरो ये वन ये टू ये थ्री ये फोर, तो x इक्वल टू थ्री, x इक्वल टू थ्री कहाँ है, यहाँ पे तुम्हारा x इक्वल टू थ्री आ गया, सो लाइन कैसा होगा, पैरेलल टू y, x इक्वल टू जीरो ये है, y एक्सिस इज नथिंग बट x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू वन ये होगा टू थ्री, तो x इक्वल टू थ्री ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन होगा व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका क्या हो गया x इक्वल टू थ्री, नेमिंग क्या है लाइन का x इक्वल टू थ्री एंड कोऑर्डिनेट क्या है थ्री इज कॉमा जीरो, एक बात बताओ रीजन क्या होगा, टुवर्ड्स ऑरिजिन यहाँ है, टुवर्ड्स ऑरिजिन और अवे फ्रॉम ऑरिजिन, देखो पुट एक्स का वैल्यू जीरो एंड वाई का वैल्यू जीरो, यहाँ पे एक्स ओनली एक्स है, तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ये ट्रू है ना फॉल्स है, जीरो थ्री से बड़ा है क्या, नहीं है, फॉल्स हो गया, अगर फॉल्स हो गया तो मेरा रीजन कहाँ होगा, अवे फ्रॉम ऑरिजिन, ओके दैट मीन्स माई रीजन विल बी दिस है कि नहीं, अवे फ्रॉम ऑरिजिन,
okay, you can plot in this way also. Okay, so finally you can write it, hence the shaded region, hence the shaded region is the solution of given in equation. ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया गिवन इन इक्वेशन का. ओके, ये तुम्हारा दो क्वेश्चन हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन. ओके, सो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट y ग्रेटर देन इक्वल टू -3. ओके, ये भी एक सिंगल वेरिएबल है, नो प्रॉब्लम, बहुत आसान होगा. सो y ग्रेटर देन इक्वल टू -3 कन्वर्टिंग इन टू इक्वेशन करना है. ओके, कन्वर्टिंग इन टू इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू -3. सो वाई इक्वल टू -3 कहाँ है, बिलो ऑफ एक्स एक्सिस. ओके, सो नेगेटिव वाई आ रहा है, तो जस्ट आई एम प्लॉटिंग ग्राफ हियर. ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस. ओके, तो जस्ट टू मेंशन द पॉइंट एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये 0 -1 -2 -3 ये -4. ओनली मुझे चाहिए वाई का वैल्यू, जस्ट आई राइट द पॉइंट ओनली फॉर वाई, नेगेटिव वाई. तो पॉइंट क्या है -3, वाई इक्वल टू -3. ये तुम्हारा वाई इक्वल टू 0 के लिए -1 के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, -2 के लिए -3, तो -3 के लिए मेरा लाइन कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. ये तुम्हारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा दिस लाइन. ये भी तुम्हारा थिक लाइन होगा क्योंकि मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसका नेमिंग क्या है वाई इक्वल टू -3. ये तुम्हारा जो आ रहा है इक्वेशन ऑफ ये लाइन, ये तुम्हारा इक्वेशन का नॉट इन इक्वेशन का, तो वाई इक्वल टू -3 हो गया. अभी क्या करना है, जस्ट टू राइट द पॉइंट कोऑर्डिनेट. सो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -3. एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू -3, एक्स कमा वाई. उसके बाद रीजन कहाँ होगा, दैट्स द मेन पार्ट हियर. सो जस्ट टू पुट द ओरिजिन वैल्यू, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा. 0 -3 से बड़ा है क्या छोटा है, ये सही है ट्रू और फॉल्स, ऑब्वियसली 0 तुम्हारा -3 से बड़ा है. ओके, तो ये तुम्हारा ट्रू हो गया. ट्रू के लिए क्या होगा, हमारा रीजन टूअर्ड्स ओरिजिन होगा. देखो दिस लाइन, दिस ब्लैक लाइन का ओरिजिन कहाँ है, ऊपर और नीचे, ऊपर है, तो जस्ट टू प्लॉट द स्टेडेड रीजन ऊपर. ओके, यू कैन हैच बाय द पेंसिल इन द ग्राफ पे, वी कैन हैच आल्सो. ओके, इन योर पेंसिल इन योर ग्राफ कॉपी यू कैन हैच इट, नो प्रॉब्लम, शेडिंग कर सकते हैं. सो ये तुम्हारा हो गया शेडेड रीजन. ओके, सो लास्ट यू कैन राइट इट, हैंस द शेडेड रीजन, हैंस द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन. ये तुम्हारा क्या आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अगर मेरा क्वेश्चन सपोज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए ग्राफ करो. एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्स इक्वल टू 0 कहाँ है, एक बात बताओ, एक्स इक्वल टू 0 कहाँ है, वाई एक्सिस ऊपर. वाई एक्सिस ऊपर मेरा क्या है, ये तुम्हारा एक्स इक्वल टू 0 है कि नहीं. ओके, तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब क्या होगा, राइट ऑफ वाई और लेफ्ट ऑफ वाई, ऑब्वियसली राइट ऑफ वाई. ये तुम्हारा होगा रीजन, ये तुम्हारा होगा रीजन किसके लिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए. अगर एक्स लेस देन इक्वल 0 के लिए टूअर्ड्स लेफ्ट होगा. वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वाई पॉजिटिव एबव होगा, वाई लेस देन इक्वल 0 के लिए नेगेटिव होगा, नीचे होगा. ओके, सो दैट्स द मेन पार्ट ऑफ ग्राफ फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो भी है. नाउ अगेन विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन व्हिच इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो. सॉल्व एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ क्या होगा. देखो राइट साइड में क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं है, 0 है. एक्स माइनस वाई दो वेरिएबल है, लेकिन
राइट साइड में क्या है, जीरो है। तो क्या करना है, देखो दिस इज योर स्पेशल क्वेश्चन, ओके ध्यान रखो। तो गिवन क्या है, एक्स माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, क्या करना है, कन्वर्टिंग इनटू इक्वेशन, कन्वर्टिंग इनटू इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक बात बताओ, अभी क्या होगा, व्हेन आई विल चूज एक्स इक्वल टू जीरो, वाई जीरो होगा, वाई जीरो करने से एक्स जीरो होगा, कितना पॉइंट आ रहा है, एक ही पॉइंट आ रहा है कि नहीं। तो व्हेन आई विल प्लॉट बॉक्स फॉर दिस लाइन, क्या होगा, एक्स वाई, एक्स जीरो के लिए वाई जीरो, वाई जीरो के लिए एक्स जीरो, ऑल आर जीरो, जीरो 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 जीरो, कितना कितना ऑरिजिन है, एक ही ऑरिजिन है ना, तो जीरो जीरो क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा। तो वी कैंट ड्रॉ ए लाइन बाय यूजिंग वन पॉइंट, क्योंकि बाय यूजिंग वन पॉइंट वी कैन ड्रॉ इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स। तो टू ड्रॉ ए यूनिक स्ट्रेट लाइन यू हैव टू रिक्वायर्ड टू पॉइंट्स, मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, दो पॉइंट मिनिमम चाहिए। तो दो पॉइंट कैसे आएगा, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा थोड़ा हटके टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि राइट साइड में जीरो है, दैट्स द मेन पॉइंट, ओके। दैट मीन्स इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हाट टू डू, जस्ट चूज एनदर वैल्यू, दैट मीन्स आई एम सजेस्टिंग यू माइनस वन एंड प्लस वन, एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव होगा, ओके। जीरो तो चूज करना है, नो प्रॉब्लम, उसके साथ और दो चूज करो, क्या, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो एक्स का वैल्यू माइनस वन होने से मेरा वाई क्या होगा, माइनस वन माइनस वाई इक्वल टू जीरो, माइनस वन इक्वल टू वाई, वाई का वैल्यू भी माइनस वन आ रहा है। व्हेन आई चूज एक्स इक्वल टू वन, व्हेन आई चूज एक्स इक्वल टू वन, वाई क्या होगा, वन ही होगा, क्लियर हो गया। इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जस्ट चूज थ्री वैल्यू, एक जीरो एंड दूसरा माइनस वन दूसरा प्लस वन, थ्री पॉइंट आ गया। उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव ऑल आर गिवन हियर, तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव होगा, वाई का वैल्यू पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जीरो वन टू, माइनस वन माइनस टू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू वन है, माइनस वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी माइनस वन है, यहाँ पे भी माइनस टू है, ओके। नाउ अभी क्या करना है, पॉइंट चूज करना है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, जीरो जीरो ऑरिजिन वैल्यू आ गया, ये तुम्हारा जीरो जीरो। दूसरा पॉइंट क्या है, माइनस वन माइनस वन, एक्स का वैल्यू माइनस वन, एक्स का वैल्यू माइनस वन, वाई का वैल्यू माइनस वन, यहाँ पे आ गया, ओके। तीसरा पॉइंट क्या, वन वन, एक्स का वैल्यू वन के लिए वाई का वैल्यू वन, ये तुम्हारा हो गया तीसरा पॉइंट, वन का वन। अभी देखो थ्री पॉइंट आ गया, ये बहुत आसान हो गया स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का, ओके। तो जस्ट टाइम प्लॉटिंग योर स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन जस्ट आई प्लॉटेड, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, ओके। ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये तो थिक लाइन हो गया, क्योंकि मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये थिक लाइन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जस्ट टू राइट द नेमिंग ऑफ दिस लाइन, नेमिंग क्या है, ये तुम्हारा एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो है, एंड जस्ट यू राइट द पॉइंट ऑल्सो, ये तुम्हारा जीरो जीरो है, ये तुम्हारा वन वन है, ये तुम्हारा माइनस वन है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, रीजन चूज करना। देखो यहाँ पे रीजन चूज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखो एक्स माइनस वाई पुट ऑरिजिन वैल्यू ऑलरेडी हैव टोल्ड, सो व्हेन आई चूज ऑरिजिन वैल्यू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये क्या बात है, जीरो जीरो से बड़ा कैसे हो सकता है, जीरो जीरो से छोटा कैसे हो सकता है, ओके। सो ये तुम्हारा कन्फ्यूजन बात है, दैट्स आई एम टेलिंग दिस इज योर यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो व्हाट टू डू इन दिस केस, एक्स एंड वाई सेपरेट करो, इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन क्या करना है, एक्स एंड वाई सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होगा कि नहीं, जस्ट हैव टेकन वाई राइट साइड, तो एक्स ग्रेटर देन वाई हो गया। देखो यहाँ पे व्हिच वन इज ग्रेटर, दैट्स द मेन पार्ट, व्हिच वन इज ग्रेटर, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स ग्रेटर हुआ, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव एक्स ग्रेटर हो गया। देखो इन दिस लाइन रेड लाइन का कितना, देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्स है, ये तुम्हारा नेगेटिव एक्स है, ये तुम्हारा पॉजिटिव वाई, ये तुम्हारा नेगेटिव वाई, ध्यान सुने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी एक्सिस दैट मे बी पॉजिटिव एक्स, दैट मे बी नेगेटिव एक्स, दैट मे बी पॉजिटिव वाई, दैट मे बी नेगेटिव वाई, व्हिच एक्सिस इज योर ग्रेटर, दैट इज योर सैडल रीजन।
अगेन आई एम टेलिंग टू ऑल, जो भी तुम्हारा एक्सिस ग्रेटर होगा, ओके ग्रेटर होगा, ओनली ग्रेटर होगा, दैट एक्सिस इज योर आंसर। देखो यहाँ पे मेरा क्या ग्रेटर हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो एक्स कहाँ है, व्हिच एक्स, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स, देखो रेड लाइन का इन व्हिच पार्ट, बिलो और एबव में मेरा पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स कहाँ है, रेड लाइन का बिलो, ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्सेस है, रेड लाइन का ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्सेस, तो रीजन कहाँ होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ओके दिस इज योर रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके दिस इज योर रीजन। अगर मेरा क्वेश्चन ये हो गया, सपोज आई एम टेलिंग माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई होगा, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई होगा, दैट मीन्स एक बात बताओ यहाँ पे, व्हिच एक्सिस इज ग्रेटर, माइनस एक्स, दैट्स मेन पार्ट, माइनस एक्स कहाँ है, देखो रेड लाइन का एबव और बिलो, अभी दिस इज योर माइनस एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस एबव, ओके द इन दिस सेंस द रीजन विल बी एबव रेड लाइन, ओके सो दैट इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आई एम टेलिंग टू ऑल, इंपॉर्टेंट इज व्हिच एक्सिस इज ग्रेटर, व्हिच एक्सिस, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई और पॉजिटिव वाई, ओके फोर एक्स इज इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, व्हिच एक्सिस इज ग्रेटर, दैट इज योर रीजन, क्लियर, सो इन दिस केस फिलहाल इन दिस केस द रीजन इज दिस, ओके सो हेंस सो यू कैन राइट, ओके दिस स्टेटमेंट यू हैव टू राइट इन ऑल क्वेश्चंस, हेंस द रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन, ओके आई विल सॉल्व रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो नंबर सिक्स में, तो जस्ट राइट इट फर्स्ट अगेन, नाउ सी अगेन आई हैव रिटन टू क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट स्पेशल क्वेश्चंस, ओके क्योंकि राइट साइड में क्या है, जीरो है, ओके तो क्या होगा, देखो यहाँ पे सेम थिंग आई हैव डन हियर, पहले क्वेश्चन लिखना है x माइनस टू लेस देन जीरो, देखो यहाँ पे लेस देन है, नॉट लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स जो भी स्ट्रेट लाइन आएगा दैट इज योर डॉटेड लाइन, याद रखो, तो कन्वर्टिंग इन इक्वेशन, कन्वर्टिंग इन टू इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स अभी थ्री वैल्यू चूज करना है इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके एक्स वाई, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो वाई तो जीरो ऑटोमेटिक होगा, व्हेन एक्स इक्वल टू वन, व्हेन एक्स इक्वल टू वन वाई क्या होगा, देखो व्हेन एक्स इक्वल टू वन, वन माइनस टू इक्वल टू जीरो और वन इक्वल टू टू वाई और वाई इक्वल टू हाफ होगा, व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस वन, व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस वन वाई होगा माइनस हाफ, ओके दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव तो बोथ आ रहे हैं, एक्स दिस इज योर वाई एक्सिस, ओके जीरो वन टू, ओके ये भी वन ये भी टू, माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू, ओके तो पहला पॉइंट क्या आया, जीरो जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो वाई का वैल्यू जीरो, ये पॉइंट तो आ गया, दूसरा पॉइंट क्या है, वन हाफ, एक्स का वैल्यू वन के लिए वाई का वैल्यू हाफ, हाफ मतलब जीरो पॉइंट फाइव, वाई का वैल्यू हाफ, एक्स का वैल्यू वन के लिए ये हाफ, तो आ गया तुम्हारा दिस पॉइंट, ओके वन का हाफ एंड दूसरा माइनस वन माइनस हाफ, एक्स का वैल्यू माइनस वन वाई का वैल्यू माइनस हाफ, तो माइनस हाफ यहाँ होगा, दिस इज योर पॉइंट, अगेन अगेन थ्री पॉइंट आ गया, उसके बाद थ्री पॉइंट क्या होगा, डॉटेड लाइन, याद रखो यहाँ पे क्या होगा, डॉटेड लाइन, दैट्स व्हाई आई एम प्रूविंग डॉटेड लाइन, नॉट स्ट्रेट लाइन, थिक लाइन, ओके तो जो भी होगा ये तुम्हारा सिंपल डॉटेड लाइन ही होगा, नॉट स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन अगेन एरो मार्क, डॉटेड लाइन हो गया क्योंकि लेस देन सिंबल है, उसके बाद क्या करना है, जस्ट चूज द रीजन, तो रीजन कैसे चूज करना है, ओके ओके बिफोर चूज द रीजन जस्ट राइट द लाइन, क्या है ये तुम्हारा एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो है, द पॉइंट इज जस्ट टू राइट द पॉइंट, ये तुम्हारा जीरो जीरो है, ये तुम्हारा वन हाफ है, ये तुम्हारा माइनस वन माइनस हाफ है, कोऑर्डिनेट हो गया, उसके बाद देखो रीजन कैसे चूज करना है, जस्ट सेपरेट द वेरिएबल एक्स लेस देन टू वाई, यहाँ पे व्हिच वन इज ग्रेटर वाई और एक्स,
टू वाई, हाफ वाई, फाइव वाई, ये बात नहीं है। बात ये है कि पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई इज ग्रेटर। यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव वाई इज ग्रेटर। देखो रेड लाइन का पॉजिटिव वाई कहाँ है, ये तुम्हारा पॉजिटिव वाई है, ओके, दैट मीन्स एबव रेड लाइन, ये तुम्हारा पॉजिटिव वाई है, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर, दैट मीन्स इट इज योर शेडेड रीजन। द शेडेड रीजन इज योर दिस पार्ट एबव रेड लाइन, ये तुम्हारा आंसर हो गया। सो फाइनली यू कैन राइट हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन, हेंस द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन, ओके। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, देखो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आसान है सॉल्यूशन। यहाँ पे भी क्या है, माइनस टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कन्वर्टिंग इन टू इक्वेशन मतलब माइनस टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, उसके बाद बॉक्स प्लॉट करना है, थ्री वैल्यू वी टेक हियर एक्स वाई, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो पक्का होगा, व्हेन एक्स इक्वल टू वन, व्हेन एक्स इक्वल टू वन वाई क्या होगा, माइनस टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और वाई इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू टू होगा, व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस वन होगा तो ये प्लस टू हो जाएगा, ये तुम्हारा माइनस टू आएगा ऑटोमेटिक, ओके। तो वैल्यू तो आ गया, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है, तो पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस, ओके, उसके बाद एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, तो एक्स का वैल्यू जीरो वन टू, हाँ तो जीरो वन टू थ्री, वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, हो गया पॉइंट। उसके बाद पॉइंट चूज करो, पहला पॉइंट क्या है जीरो जीरो दिस पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है वन का टू, एक्स का वैल्यू वन वाई का वैल्यू टू, एक्स का वैल्यू वन वाई का वैल्यू टू, सो दिस पॉइंट हो जाएगा वन का टू, एंड थर्ड होने चाहिए माइनस वन माइनस टू, एक्स का वैल्यू माइनस वन वाई का वैल्यू माइनस टू, सो दिस पॉइंट, ओके, अगेन ये पॉइंट आ गया थ्री पॉइंट्स, सो जस्ट प्लॉट इट। ये तुम्हारा थिक लाइन होगा क्योंकि इक्वल साइन है, तो जस्ट यू विल प्लॉट थिक लाइन, उसके बाद लिखना है माइनस टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, उसके बाद क्या है रीजन चूज करना है, रीजन कैसा चूज करना है, देखो जस्ट सेपरेट द वेरिएबल, माइनस टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई, अभी बताओ हुईच वन इज योर ग्रेटर, माइनस एक्स, दैट मे बी माइनस टू माइनस फाइव, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हुईच एक्स इज नेगेटिव एक्स, देखो दिस लाइन का नेगेटिव एक्स कहाँ है, नेगेटिव एक्स, दिस इज योर नेगेटिव एक्स, दिस इज योर नेगेटिव, दैट मीन्स एबव ग्रीन लाइन, एबव ग्रीन लाइन, दिस इज योर एबव ग्रीन लाइन, ये तुम्हारा हो गया शेडेड रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो यू कैन राइट फाइनली हेंस द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन, क्लियर हो गया। सो दिस इज योर स्पेशल क्वेश्चन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, क्लियर हो गया। सो आफ्टर दिस वी विल सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, ये तुम्हारा तो एक ही इन इक्वेशन था लेकिन अभी सॉल्व करना है दो और थ्री फोर इन इक्वेशन एट ए टाइम, ओके। सो जस्ट राइट इट फर्स्ट, नाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन विथ टू वेरिएबल, जो कि तुम्हारा सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन है, सिस्टम मतलब मोर देन वन इक्वेशन गिवन है। देखो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हाट टू डू, एक बात याद रखो, इन एवरी क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन यू विल फेस क्या, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, दो पार्ट यू विल गेट, एक्स भी पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव, मतलब व्हिच क्वाड्रेंट इन ग्राफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स कन्फर्म दैट जो भी रीजन आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट अंदर ही आएगा, डोंट सेट बिलो एक्स एक्सिस एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ वाई, जो भी रीजन आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट अंदर ही आएगा, द पार्ट इज द दिस पार्ट का मीनिंग क्या ये है, एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो, द मीनिंग इज दिस, डोंट फॉरगेट, ओके, दैट्स द मेन पार्ट हियर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीनिंग और कुछ भी नहीं है, जो भी रीजन आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, दिस इज द मीनिंग, ओके, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ओके। सो यहाँ पे तुम्हारा मेन दो इन इक्वेशन क्या है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दो इन इक्वेशन मेन, ओके, दिस इज जस्ट गिवन दैट जो भी रीजन आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, दिस द मेन पार्ट। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन
पहला क्या करना है, कन्वर्टिंग इन इक्वेशन। पहले क्या करना है, कन्वर्टिंग इनटू इक्वेशंस, दैट मीन्स क्या होगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 होगा, ये तुम्हारा नंबर वन। सेकेंड इज योर 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये तुम्हारा नंबर टू। दो इन इक्वेशन है ये, तो जस्ट एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, मीनिंग क्या है, तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट इज द मीनिंग। ओके, डोंट राइट इट इज। तो पहले दो इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो फ्रॉम वन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है, तो उसके लिए बॉक्स प्लॉट करना है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 पुट करना है। सो व्हेन x इक्वल टू 0, मेरा y क्या होगा, 3 होगा, व्हेन y इक्वल टू 0 मेरा x होगा 4। एंड दूसरा फ्रॉम टू वी कैन राइट क्या, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 है फ्रॉम टू, तो इसके लिए भी बॉक्स प्लॉट करना है। ओके, एक्स वाई, व्हेन x इक्वल टू 0 क्या होगा, y 4 होगा, व्हेन y इक्वल टू 0 x 3 होगा। दो बॉक्स आ गया, एंड दैट दिस टू पार्ट ओनली फॉर शोइंग दैट इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कुछ भी नहीं। ओके, नाउ जस्ट टू प्लॉट द ग्राफ, अभी ग्राफ प्लॉट करना है। तो x का वैल्यू, y का वैल्यू ऑल आर पॉजिटिव है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू ही है पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव है। तो जस्ट आई एम प्लॉटिंग हियर, बेंड हो गया y एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस। ओके, x एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस, x डैश y डैश। ओके, उसके बाद जस्ट राइट द वैल्यू, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अभी देखो पॉइंट क्या है, पहला देखो, पहला इन इक्वेशन का 0, 3, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 3, 0, 3, 4, 0, ये 4, 0 आ गया, 4, 0। दो पॉइंट आएगा, फर्स्ट टू ड्रॉ द लाइन, क्या होगा, ठीक लाइन होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू, तो जस्ट टू प्लॉट, जस्ट टू जॉइन दिस टू पॉइंट। ओके, सो सम मेरा लाइन कंसर्न नहीं किया पॉइंट में। ओके, यू विल ड्रॉ इन योर कॉपी विथ प्रॉपर स्केल पेन यूज करो। ओके, तो ये तुम्हारा लाइन आ गया, सो जस्ट टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y, इसका नेमिंग क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है। ओके, दूसरा क्या है, 4x प्लस 3y, दैट मीन्स इसके लिए क्या होगा, ग्राफ 0, 4, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, ये हो गया, एंड 3, 0, x का वैल्यू 3, ये अगेन दो पॉइंट आ गया, जस्ट टू जॉइन इट दिस टू पॉइंट। ओके, ज्वाइन करने से यह होगा क्लियर। सो जस्ट टू नेमिंग द इक्वेशन, नेमिंग क्या है, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। ओके, नाउ अभी क्या करना है, कॉमन रीजन चूज करना है, क्या करना है, कॉमन रीजन। सो जस्ट टू राइट द पॉइंट, ये 0, 4, यहाँ पे 0, 3, यहाँ पे 3, 0, यहाँ पे 4, 0, कोऑर्डिनेट जस्ट आई रिटन। उसके बाद क्या है, रीजन चूज करना है, क्या, कॉमन रीजन, क्योंकि कॉमन रीजन क्यों चूज करना है, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन, पता है इन वन वेरिएबल क्या कर रहे थे, कॉमन रीजन चूज कर रहे थे। सो यहाँ पे भी तुम्हें कॉमन रीजन चूज करना है, लेकिन जो भी रीजन आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट अंदर ही आएगा, नॉट बिलो एक्स एक्सिस, नॉट लेफ्ट पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, जो भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट अंदर ही आएगा। तो देखो पहले क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन का, फर्स्ट इक्वेशन, ओके, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना है, रीजन चूज करने के लिए ओरिजिन वैल्यू पुट करना है, ओरिजिन पुट करने के बाद देखो 0 लेस देन इक्वल 12, ये ट्रू है कि नहीं, 0 12 से छोटा, ये ट्रू है, किसके लिए, रेड लाइन के लिए ट्रू, रेड लाइन के लिए ट्रू मतलब क्या होगा, टुवर्ड्स ऑरिजिन। सो जस्ट टू शो इट बाय प्लॉटिंग वन लाइन एरो मार्क, ये तुम्हारा नीचे आएगा। ओके, बिलो रेड लाइन, सेकेंड के लिए 0 लेस देन इक्वल 12 भी होगा, ये भी तुम्हारा, ये भी ट्रू है, ग्रीन लाइन के लिए
ग्रीन के लिए भी ट्रू है, ग्रीन के लिए क्या होगा, ये भी टुवर्ड्स ऑरिजिन, ये भी बिल होगा। एक बात बताओ, एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स जीरो कहाँ है, वाई पे, ये तुम्हारा एक्स इक्वल टू जीरो ये तो पता है, एंड वाई इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस में वाई जीरो, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो, एक्स पॉजिटिव मतलब राइट साइड ऑफ वाई, वाई पॉजिटिव मतलब एबव एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन बिलो रेड लाइन बिलो ग्रीन लाइन के अंदर कॉमन रीजन क्या होगा, दैट्स द मेन पार्ट हियर। यहाँ पे क्या चूज करना है, कॉमन रीजन, कॉमन रीजन दैट मीन्स बिलो रेड लाइन बिलो ग्रीन लाइन, बिलो रेड लाइन बिलो ग्रीन लाइन, ये है कि नहीं, दिस पार्ट इज योर कॉमन फॉर बोथ रेड एंड ग्रीन, है कि नहीं, दिस इज योर कॉमन पार्ट हो गया, कॉमन रीजन हो गया, है कि नहीं। देखो यहाँ पे आई हैव नॉट प्लॉट द लाइन बिलो एक्स एक्सिस और लेफ्ट पार्ट ऑफ वाई, जस्ट आई प्लॉटेड विद इन फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच इज कॉमन टू ऑल। देखो दिस रीजन एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो मतलब वाई से बड़ा, एक्स से बड़ा, एंड बिलो ग्रीन लाइन बिलो रेड लाइन, दिस इज योर कॉमन रीजन। कॉमन रीजन कैसा है, बिलो रेड बिलो ग्रीन, ओके, दिस इज योर कॉमन रीजन। ये तुम्हारा हो गया क्या फिजिबल रीजन, उसको क्या बोलते हैं, दिस इज योर फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन आ गया, ओके, ये तुम्हारा आंसर हो गया। सो फाइनल यू कैन राइट इट, hence the shaded region, hence the shaded region is the solution of given in equations, given in equations, this is your answer। ये जो तुम्हारा सेडल लाइन आ गया, सेडल रीजन, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, क्योंकि तुम्हारा कॉमन ग्राफ है, कॉमन हो गया, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन था, क्लियर हो गया। सो इन योर एग्जाम दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल गेट 4 मार्क इन योर सेकेंड ईयर कोर्स ऑल्सो, आई एम टेलिंग टू ऑल अगेन, दिस इज योर मोस्ट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखो, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर क्लास 12th, क्लास 12th के लिए बहुत हेल्पफुल है। Okay, again we'll face this kind of questions. Again we'll face. Again I'm telling you all, keep in mind one thing. Okay, anyhow, just to write it first. Now, just to see, again the system of inequation is given that, kitna inequation hai? 5 inequation given hai. Okay? So, just to write the solution, pehle converting into equation karna hai. Kya karna hai? Converting into इक्वेशन, दैट मीन्स क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव होगा, ये तुम्हारा नंबर वन, 4x + y = 4 होगा, ये तुम्हारा नंबर टू, x + 5y = 5 ये तुम्हारा नंबर थ्री, x = 4 है यहाँ नंबर फोर, एंड y = 3 है ये तुम्हारा नंबर फाइव, फाइव इन इक्वेशन की फैन है, ओके। उसके बाद वैल्यू चूज करना है, सो फ्रॉम वन क्या है, x + y = 5 है, मतलब जस्ट टू प्लॉट द बॉक्स फॉर दिस इक्वेशन, एक्स वाई, एक्स वैल्यू जीरो एंड वाई वैल्यू जीरो चूज करो, सो फैन x = 0 वाई 5 होगा, वाई 0 होने से एक्स 5 होगा, फ्रॉम वन हो गया। फ्रॉम टू क्या होगा, 4x + y = 4 है, दैट मीन्स के लिए ग्राफ बॉक्स क्या होगा, व्हेन x = 0 मेरा y 4 होगा, व्हेन y = 0 मेरा x 1 हो जाएगा, 4y = 1 होगा। फ्रॉम थ्री x + 5y = 5 है, ओके, मतलब ग्राफ बॉक्स क्या होगा, x = 0 होने से मेरा y होगा 1, y 0 होने से मेरा x होगा 5, एंड फ्रॉम 4 पता क्या होगा, फ्रॉम 4 मतलब x = 4 ये फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, y = 3 ये भी पता है, हाउ टू प्लॉट इट, ओके, ये सिंगल वेरिएबल है, नो प्रॉब्लम। सो नाउ विल प्लॉट ग्राफ, एंड आफ्टर द प्लॉटिंग ग्राफ जस्ट प्लॉट द लाइन 1, 2, 3, 4, 5 लाइन आएगा यहाँ पे,
फाइव लाइन के कॉमन रीजन चूज करना है, कॉमन रीजन। तो देखो ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखो यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव है, ऑल आर पॉजिटिव वैल्यू, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा पक्का पॉजिटिव वैल्यू, दैट्स व्हाई प्लॉटिंग हियर। ओके हाईएस्ट वैल्यू देखो क्या है, फाइव, हाईएस्ट वैल्यू फाइव है, मतलब ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके हाइस्ट वैल्यू फाइव है, दैट्स व्हाई प्लॉटिंग सिक्स वोल्ट, क्लियर हो गया। नाउ क्या करना है अभी, जस्ट यू प्लॉट द वैल्यू फॉर जीरो फाइव फाइव जीरो, देखो पहला लाइन के लिए क्या होगा, जीरो फाइव, एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू फाइव, जीरो फाइव ये फाइव जीरो, दिस टू पॉइंट आ गया। नाउ जस्ट टू प्लॉट द लाइन, फाइव फाइव को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, सो दिस इज योर लाइन, ओके बेंड हो गया थोड़ा, ओके नो प्रॉब्लम, विल ड्रॉ इन द कॉपी प्रॉपरली। सो दिस इज द इक्वेशन इज योर एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव है, ओके। सेकेंड इक्वेशन क्या है, जीरो फोर वन जीरो, जीरो फोर एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू फोर, एंड वन जीरो वन जीरो, जस्ट टू प्लॉट दिस लाइन, सो यू विल गेट दिस लाइन, दिस इज योर ग्रीन लाइन, दिस इज योर, इसका नेमिंग क्या है, फोर एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर है, थर्ड इज योर जीरो वन फाइव जीरो, जीरो वन वाई का वैल्यू वन फाइव जीरो, ओके सो जस्ट टू जॉइन दिस टू पॉइंट, सो दिस इज योर एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू फाइव है, ओके। एंड थर्ड इज फोर्थ इज योर एक्स इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू फोर कहाँ है, ये तुम्हारा हो गया एक्स इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू फोर का ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस पता है, एक्स इक्वल टू फोर, सो ये हो गया तुम्हारा एक्स इक्वल टू फोर का ग्राफ, ओके जस्ट आई एम नॉट टच बट यू ड्रॉ प्रॉपरली, ये तुम्हारा हो गया एक्स इक्वल टू फोर। उसके बाद वाई इक्वल टू थ्री, ये तुम्हारा वाई इक्वल टू थ्री यहाँ है, सो जस्ट यू ड्रॉ व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू थ्री, वाई इक्वल टू थ्री, कितना लाइन है क्या, फाइव लाइन्स। उसके बाद कॉमन रीजन चूज करना है, सो हाउ टू चूज कॉमन रीजन पता है, ऑरिजिन वैल्यू पुट करो, वन बाय वन करना, देखो ध्यान से वन बाय वन, पहले यहाँ पे ऑरिजिन वैल्यू पुट करो, ये तुम्हारा जीरो लेस देन इक्वल टू फाइव, ये ट्रू है कि नहीं, फर्स्ट इन इक्वेशन ट्रू है, जीरो फाइव से छोटा है, फर्स्ट इन का कहाँ है एक्स प्लस वाई फाइव, सो दिस रेड लाइन के लिए ये ट्रू है, ट्रू मतलब टूअर्ड्स ऑरिजिन, सो बिलो और अबव ऑब्वियसली बिलो होगा, सो जस्ट आई एम शोइंग द सिंबल बिलो रेड लाइन, मतलब टूअर्ड्स ऑरिजिन होगा फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए क्या होगा, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, जीरो फोर से बड़ा नहीं है, ये रॉन्ग है, फॉल्स है, सो फोर एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, इसके लिए फॉल्स है, मतलब दिस ग्रीन लाइन के लिए मेरा क्या होगा, अवे फ्रॉम ऑरिजिन, यहाँ पे ऑरिजिन है, फॉल्स मतलब अवे फ्रॉम ऑरिजिन, अवे फ्रॉम ऑरिजिन। थर्ड इज योर जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, ये भी तुम्हारा फॉल्स होगा, जीरो फाइव से बड़ा नहीं है, सो एक्स प्लस फाइव वाई कहाँ है, एक्स प्लस फाइव वाई, दिस इज योर ब्लैक लाइन, इसके लिए भी फॉल्स है, फॉल्स मतलब दिस इज योर ऑरिजिन, दिस इज ऑरिजिन, सो अवे फ्रॉम ऑरिजिन होगा, क्या होगा, अवे फ्रॉम ऑरिजिन। एंड फोर्थ इज योर जीरो लेस देन फोर, एंड फिफ्थ इज योर जीरो लेस देन थ्री, दोनों के लिए ट्रू है, मतलब ट्रू मतलब देखो दिस रेड लाइन एक्स इक्वल टू फोर है, ट्रू मतलब टूअर्ड्स ऑरिजिन, टूअर्ड्स ऑरिजिन, ग्रीन के लिए टूअर्ड्स ऑरिजिन भी होगा, टूअर्ड्स ऑरिजिन, ये हो गया। नाउ देखो कॉमन रीजन क्या होगा, कॉमन रीजन इज मेन पार्ट हियर, देखो दिस ग्रीन लाइन के लिए बिलो, दिस ग्रीन लाइन के लिए अबव, दिस रेड लाइन के लिए बिलो, दिस ब्लैक लाइन के लिए अबव, दिस रेड लाइन के लिए लेफ्ट पार्ट, दैट मीन्स दिस इज योर कॉमन पार्ट है कि नहीं, दिस इज योर कॉमन पार्ट है क्या, ओके दिस इज योर क्या कॉमन रीजन ऑफ द गिवन इन इक्वेशन, सो हेंस वी कैन राइट इट फाइनली,
सो आफ्टर दिस यू आफ्टर दिस विल राइट द कोऑर्डिनेट, डोंट फॉरगेट द कोऑर्डिनेट 40, ये तुम्हारा 50, ये तुम्हारा 10, 10, ये तुम्हारा 01, ये तुम्हारा 03, ये तुम्हारा 04, ये तुम्हारा 50, ऑल ऑफ राइट द कोऑर्डिनेट, डोंट फॉरगेट. सो फाइनली यू कैन राइट इट, हैंस द शेडेड रीजन, हैंस द शेडेड रीजन, ये तुम्हारा शेडेड रीजन आ गया कॉमन पार्ट. हैंस द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशंस, गिवन इन इक्वेशंस. ये हो गया तुम्हारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर हो गया? आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर हाउ टू प्लॉट ग्राफ फॉर सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन. क्लियर हो गया? सो एनी हाउ फर्स्ट राइट इट. नाउ जस्ट यू सी, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, नंबर 10, 11. सो नंबर 10 में क्या है, सॉल्व ग्राफिकली. ओके, ये तुम्हारा सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन है. यहाँ पे देखो कितना इन इक्वेशन है, 1, 2, 3, 4 है. लास्ट पार्ट में जो है x, y ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब क्या है, x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है. इसका मीनिंग तो ये है. ओके, मतलब 4 इन इक्वेशन है मेन पार्ट. नंबर 11 में क्या है, ये तुम्हारा इन इक्वेशन, ये भी, ये भी, ये भी. ओके, 4 इन इक्वेशन गिवन है. सो दिस इज योर 2 होमवर्क्स, यू विल सॉल्व इन योर कॉपी ऑल्सो. ओके, ग्राफ कॉपी यूज करो, दैट्स बेटर फॉर यू. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल फॉर योर क्लास 12th कोर्स. याद रखो यू विल गेट 10 मार्क, एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क, एक 4 मार्क आएगा. 10 मार्क विल गेट फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर सेकेंड ईयर. अगेन आई एम टेलिंग टू ऑल, दैट्स वाई जस्ट टू फोकस ब्रीफली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एनी हाउ, सो इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड क्या, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल. ये खत्म हो गया. दिस वॉज योर लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर लीनियर इन इक्वेशन ऑफ क्लास 11th. ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर. ओके, ऑफ द क्लास 11th. एनी हाउ, इफ यू एंजॉय दिस वीडियो जस्ट यू लाइक एंड शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर अपडेट ऑन द वीडियो. सो अप टू दैट आई एम कीपिंग, टेक केयर, बाय बाय.